हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन हमें मौका देता है खुद को और बेहतर बनने का, कुछ अच्छा करने का और अपनी कीमत साबित करने का। जी हाँ, ये लाइंस हैं महान सिंगर किशोर कुमार की और ये दास्ता है बड़े ही जबरदस्त हरफन मौला कलाकार की, नाम है जिनका किशोर कुमार। किशोर कुमार का जन्म हुआ था एक बंगाली परिवार में और जगह थी खंडवा, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। इनके जन्म का नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली, लेकिन फिल्मों में उन्हें पहचान किशोर कुमार के नाम से ही मिली। अगर किशोर दा को फिल्मी दुनिया का ऑलराउंडर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, कहते हैं ना कि महान लोग समय के साथ साथ और महान होते जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है किशोर कुमार की, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं शिवानी। और हर संडे की तरह इस संडे भी मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड गपशप में कुछ स्पेशल। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के खास प्रोग्राम की, जो कि डेडिकेटेड है संगीत की दुनिया के बादशाह किशोर कुमार को। किशोर कुमार के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो खंडवा से बंबई अभिनेता बनने आए थे और उस समय उनके बड़े भाई अशोक कुमार बंबई फिल्म उद्योग के चोटी के अभिनेता थे। एक बार वो अशोक कुमार के बॉम्बे टॉकीज वाले दफ्तर गए और उस दफ्तर में वो सहकल का एक गाना गुनगुना रहे थे कि मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश जिद्दी फिल्म की धुन पर काम करके थोड़ा आराम करने के लिए बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने किशोर को गुनगुनाते सुना, उन्होंने उनसे अंदर आकर मिलने के लिए कहा और जब वो अंदर आए तो उन्होंने उनके सामने हारमोनियम रखा और वो गीत गाने के लिए कहा जो वो बाहर गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर सुनने के बाद उन्होंने किशोर को ऑफर किया कि क्या वो उनकी फिल्म जिद्दी के लिए गाना गाएंगे, और बस किशोर इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी, खेमचंद ने अशोक कुमार और फिल्म के हीरो देवानंद को किशोर कुमार को सुनने के लिए बुलावा भेजा और पहले ही दिन किशोर का गाना ओके कर दिया गया। वैसे आपको बता दें कि वो साल था 1948। नौशाद और सी रामचंद्र से चूक हुई, लेकिन किशोर उन्हीं खेमचंद के असिस्टेंट रहे। नौशाद से वो सम्मान कभी प्राप्त नहीं कर सके। किशोर कुमार के प्लेबैक करियर के पहले 27 सालों में नौशाद ने उन्हें एक बार भी अपने लिए गाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जबकि किशोर कुमार की दिली इच्छा थी कि वो नौशाद के लिए एक बार जरूर गाएं। आखिर में किशोर के सुपर सिंगिंग स्टार बन जाने के पूरे 5 साल बाद 1974 में नौशाद ने फिल्म सुनहरा संसार में किशोर कुमार से एक गाना गवाया, वो भी आशा भोसले के साथ एक डुएट था। उसी तरह मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र ने भी अपनी फिल्म साजन में किशोर कुमार को गवाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे शख्स पर अपना समय क्यों बर्बाद करूं, जिसे फिल्म संगीत और गाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन नौशाद और सी रामचंद्र के ठीक विपरीत सचिन देव बर्मन ने किशोर की प्रतिभा को 1952 में ही पहचान लिया था। बॉम्बे टॉकीज के दफ्तर में यूं ही गाना गा रहे किशोर कुमार के बारे में अपने बेटे पंचम को बताते हुए उन्होंने कहा था, ये दादा मुनि का छोटा भाई आभास है, थोड़ा सनकी है लेकिन इसके में प्रतिभा बहुत है, आने वाले दिनों में तुम इसके बारे में बहुत कुछ सुनोगे। किशोर का प्लेबैक हेमंत कुमार ने दिया। किशोर को बंबई फिल्म उद्योग में अपने पैर जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। साल 1954 में बिमल रॉय ने किशोर कुमार को फिल्म नौकरी में बतौर अभिनेता साइन किया। किशोर मानकर चल रहे थे कि फिल्म के गाने भी वही गाएंगे, लेकिन वो ये जानकर दंग रह गए कि संगीतकार सलील चौधरी ने उनके गाने गाने के लिए हेमंत कुमार को आमंत्रित कर डाला था। मशहूर पत्रकार राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेलोडी लेन में लिखते हैं, जैसे ही किशोर को इसके बारे में पता चला कि वो सलील के म्यूजिक रूम में गए और उनसे पूछा कि उन्हें अपनी ही फिल्म में क्यों नहीं गाने दिया जा रहा है, तो सलील का जवाब था, मैं तुम्हें पहले कभी गाते हुए नहीं सुना हूं। परेशान किशोर ने कहा,
सलील दा कम से कम अब तो आप मुझे गाते हुए सुन लीजिए। जैसे ही किशोर ने गाना शुरू किया, सलील चौधरी उन्हें रोकते हुए कहे, तुम्हें संगीत की ABC भी नहीं आती, तुम जा सकते हो, हेमंत कुमार तुम्हारे लिए गाना जरूर गाएंगे। परेशान किशोर कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर बिमल रॉय के पास अपना केस लेकर गए। बिमल रॉय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा, संगीत सलील चौधरी का डिपार्टमेंट है, मेरा संगीत निर्देशन तय करता है कि गाना कौन गाएगा। किशोर फिर अपने दो रिकॉर्ड लेकर सलील चौधरी के पास गए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और आखिर में किशोर कुमार को हेमंत कुमार ने ही अपनी आवाज दी। फिर 17 साल बाद 1971 में उन्हीं सलील चौधरी ने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में किशोर कुमार से वो मशहूर गाना कोई होता जिसको अपना हम कह लेते यारो गवाया। बाद में सलील ने खुद स्वीकार किया, मैं खेमचंद को इस लड़के की चमक पहचानने के लिए सल्यूट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम सभी से किशोर की प्रतिभा पहचानने में गलती हुई थी। वैसे तो किशोर कुमार ने शास्त्रीय गायन की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदी सिनेमा में शास्त्रीय गायन के दिग्गज और साल 2005 में पद्म भूषण और साल 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मन्ना डे ने अपनी आत्मकथा मेमोरीज कम अलाइव एंड ऑटोबायोग्राफी में ये बात स्वीकार किया था, मुझे शास्त्रीय संगीत न जानने वाले किशोर कुमार के साथ गाने में घबराहट महसूस होती थी। उनके गाने का एक खास अंदाज था जो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों पर भी भारी पड़ता था, और युगल गाने में उनके साथ गा रहे साथी गायक को असुविधा में डाल देता था। जब मैंने फिल्म अमीर गरीब में उनके साथ मेरे प्याले में शराब डाल दे गाया, तो मैंने इस बात को साफ साफ महसूस किया था। देवानंद ने शुरू में ही अपने लिए किशोर कुमार की आवाज को चुना था। वो अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, जब भी मुझे जरूरत होती थी कि किशोर मेरे लिए गाए, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने देवानंद का रोल निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो मुझसे हमेशा पूछते थे कि मैं इस गाने को स्क्रीन पर किस तरह गाऊंगा, फिर वो उसी के अनुसार अपने को ढालकर गाना रिकॉर्ड करवाते थे। मैं उनसे हमेशा कहता था कि आप इसको जितना लहक कर गा सके गाइए, मैं आपके गाने के मिजाज से अपने अभिनय को ढाल लूंगा। साल 1969 में आराधना फिल्म रिलीज होने के बाद किशोर राजेश खन्ना की भी आवाज बन गए। किशोर कुमार की जीवनी लिखने वाले शशिकांत किनकर लिखते हैं, किशोर ने आराधना के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत से कहा कि वो गानों की रिकॉर्डिंग से पहले राजेश खन्ना से एक बार जरूर मिलना चाहेंगे। जब वो राजेश खन्ना से मिले तो उन्होंने उनकी एक एक भावभंगिमा के अध्ययन किया ताकि उनके चरित्र को गाने के जरिए हूबहू उतारा जा सके। बाद में राजेश खन्ना ने माना कि इन गानों की शूटिंग के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि ये गाने किशोर कुमार नहीं बल्कि वो खुद गा रहे हो। इस फिल्म में गाए उनके दो गानों मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार दोनों को नेशनल रेंज बना दिया। सचिन देव बर्मन और किशोर कुमार की ट्यूनिंग किशोर कुमार के गायन को सबसे अधिक निखारा। सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन ने उनके बेटे आरडी बर्मन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, दादा रिकॉर्डिंग से 3 दिन पहले किशोर को अपने धुन स्पूल टेप में भिजवा देते थे। वो अपने स्टडी रूम में इन धुनों पर रियाज करते थे। किसी को भी उनके कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी और रियाज के समय उनका कमरा अंदर से लॉक रहता था। किशोर उस धुन पर अभ्यास कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसते थे। एक बार SD बर्मन को याद करते हुए किशोर कुमार ने कहा था, SD बर्मन की एक अजीब आदत थी, वो अपने गायकों को फोन करते थे और उनकी आवाज सुनकर बिना बात किए फोन रख देते थे। ये उनका अपने गायक के गले की हालत पर रखने का अपना अंदाज हुआ करता था। एक दिन देर रात उन्होंने मुझे फोन कर कोरा कागज था ये मन मेरा की धुन सुनाई। हम दोनों जल्दी सो जाया करते थे और सुबह तड़के उठते थे। उस दिन दादा ने मेरी आवाज सुनकर फोन रखा, बल्कि वो मुझे गाना गाने के लिए कहने लगे। मुझे जोरों की नींद आ रही थी,
उन्हें गाना सुनाते समय मैं जमाइयां भर रहा था, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद ही उन्होंने मुझे दोबारा सोने की इजाजत दी। एक बार लता मंगेशकर से पूछा गया था कि आपको किसके साथ डुएट गाने में सबसे अधिक मजा आया, तो उन्होंने किशोर कुमार का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि उन्हें किशोर के साथ डुएट गाने में बहुत दिक्कत भी होती थी। लता का कहना था कि गाते समय उनके संगीत और गायन को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह वो हंसाते हंसाते पेट में दर्द करा देते थे उसको संभालना बहुत मुश्किल होता था। आप कितना भी सीरियस क्यों ना हो, जब आप अंतरों में ताल ले रहे हो या हरकतें दिखा रहे हो, किशोरदा ऐसा बेवकूफी भरा इशारा करते थे जिससे आपका ध्यान गाने से हट जाए। कई बार हम लोग गाने को बीच में रुकवा कर उनसे मिन्नतें करते थे कि दादा पहले शांति से गाना रिकॉर्ड करवा दो, फिर ये सब कर लेना। दिलचस्प बात ये थी कि वो कितना भी उछल कूद और हंसोड़ हरकतें क्यों ना कर रहे हो, खुद उन सब से बाहर रहकर वो गंभीर मुद्रा में गाना गाते थे। फिल्म गायन सुजे हर व्यक्ति के पास किशोर कुमार से जुड़े अनेकों किस्से हैं। आशा भोसले बताती हैं, किशोरदा अक्सर एक ऐसे लड़के के साथ रिकॉर्डिंग करवाने आते थे जो दिखाई नहीं देता था। वो उससे लगातार बातें करते, चुटकुले सुनाते और जोर का ठहाका भी लगाते थे। कभी कभी वो मुझे भी उन दोनों की बातचीत में शामिल होने का न्योता देते थे। मुझे ये थोड़ा अजीब जरूर लगता था, लेकिन हम लोगों का जबरदस्त मनोरंजन हुआ करता था। इसी तरह की एक कहानी आरडी बर्मन ने सुनाया। मैंने किशोर को बॉम्बे टॉकीज के दफ्तर में देखा जरूर था, लेकिन उनसे पहली बार 1952 में मिला था। एक दिन मेरे पिता मुझे कारदार स्टूडियो में ले गए जहां उनके गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब हम मेन गेट में घुसे तो मैंने देखा कि कुर्ता पजामा पहने और गले में मफलर डाले एक शख्स ब्राउनी वॉल पर बैठा हुआ है। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि यह शख्स मुझे बहुत तंग करता है। ये कहते वो स्टूडियो के अंदर चले गए। मैं किशोर के पास रुक गया और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका तुरंत जवाब था, मैं कारदार साहब की नकल कर रहा हूँ। जब मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जोरों से अपना पैर हिलाते हुए दबाव दिया, किशोर कुमार खंडवाला। इस बीच उनका एक जूता नीचे गिर गया। मैंने वो जूता उन्हें उठा कर दे दिया। मैंने उनसे पूछा, कहीं आप अशोक कुमार के भाई तो नहीं? उनका जवाब था, हाँ, और इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता। फिर वो अशोक कुमार और मेरे पिता की नकल करने लगे। उन्हें देखकर हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। बढ़िया खा ले करारे गजक। किशोर कुमार के जीवनीकार डेरके बोस अपनी किताब किशोर कुमार मेथड इन मैडनेस में उनसे जुड़े कुछ और किस्से सुनाते हैं। वो अपने गार्डन में पेड़ों से अक्सर बात किया करते थे। उन्होंने उनको बकायदा नाम दे रखा था, जनार्दन, रघुनंदन, बुद्धू राम, गंगाधर वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने घर के पीछे झूले लगवा रखे थे और वो उनमें बच्चों की तरह झूला करते थे। अमित खन्ना ने एक बार रविवार की दोपहर किशोर को बैटरी से चलने वाले खिलौने के बीच बैठे हुए देखा, जिन्हें उन्होंने एक साथ स्विच ऑन कर रखा था। जब भी वो अपने किसी नजदीकी से मिलते थे तो उनका पहला वाक्य होता था, बढ़िया खाले करारे गजल, चाहे इसका जो भी मतलब कोई निकाले। कुत्ता बनकर ओपी रहलन भी एक किस्सा सुनाया करते थे कि किस तरह साल 1959 में शरारत की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने उन्हें करीब करीब पागल ही कर दिया था। एक दिन किशोर सेट पर शूटिंग के लिए नहीं पहुंचे। परेशान हो मैंने उनके घर जाकर उनको अपने साथ लाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो वहां मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने कुत्तों की तरह अपने गले में एक पट्टा बांध रखा था। उनके सामने एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें एक चपाती रखी हुई थी, उसके बगल में पानी का एक कटोरा भी था। वहीं एक बोर्ड भी रखा हुआ था जिस पर यह लिखा था, कुत्ते को डिस्टर्ब मत करो। जब मैंने उनसे शूटिंग पर चलने के लिए कहा तो वो कुत्ते की तरह गुर्राने लगे। जब मैंने जिस तरह कुत्ते के सिर पर हाथ रखते हैं उनके सिर पर भी हाथ रखने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथ में काट खाया। फिर वो कुत्ते की तरह तब तक भौंकते रहे जब तक उन्होंने मुझे गेट से बाहर नहीं कर दिया। किशोर के दोस्तों और नज़दीकी लोगों का कहना था
कि वो इस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ करते थे जिनसे वो मिलना नहीं चाहते थे, खास तौर से उन लोगों से जो उनके पैसे उन्हें नहीं दे रहे थे। किशोर कुमार के बारे में मशहूर था कि वो अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखते थे, लेकिन गीतकार समीर बताते हैं कि उन्होंने उनके पिता अनजान के लिए बिना कोई पैसा लिए कम से कम 10 गाने गाए थे। मुझे याद है कई बार उन्होंने मेरे पिता को अपनी कार से घर भी छोड़ा था, जब हमारे पास कार खरीदने के पैसे नहीं होते थे। जब उन्होंने चलती का नाम गाड़ी बनाई थी तो उन्होंने मेरे पिता से उनके गीत लिखने के लिए कहा था और मार्केट रेट से कहीं ज्यादा पैसे उन्हें दिए थे। मशहूर फिल्म निदेशक सत्यजीत राय जब पथेर पंचाली बना रहे थे तो किशोर कुमार ने उन्हें 5,000 रुपए देकर उनकी मदद की थी। उन्होंने राय की फिल्म चारुलता के लिए भी 2 गाने गाए थे और उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने बम्बई के मशहूर फिल्मकारों की म्यूजिकल नाइट में भाग लेने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया था। कई आमंत्रित लोग दिल्ली गए थे, लेकिन किशोर कुमार ने न सिर्फ इस आमंत्रण को ठुकरा दिया था बल्कि उन्होंने ये भी स्पष्ट कह दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। शशिकांत केनकर किशोर कुमार की जीवनी में लिखते हैं, संजय गांधी ने इसे अपना निजी अपमान बताया था और सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को बुलाकर कहा था कि किशोर कुमार के किसी भी सरकारी संचार माध्यम से नहीं बजाए जाए। नतीजा ये हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बजने बंद हो गए। इसके अलावा जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने गाना गाए थे उन्हें सेंसर से सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार को कुल 27 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, उनमें से 8 बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता भी था। शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ना होते हुए भी जिस तरह उन्होंने राग शिवरंजनी में मेरे नैना सावन भादो को गाया और 1981 में राग यमन के जिस बारीकी से छू कर मेरे मन को गाने की आवाज़ दी, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। किशोर कुमार के फिल्मी जीवन के संगीत सफर का साल 1977 में आई फिल्म अनुरोध के इस गाने से रेखांकित किया जा सकता है। आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ आपके अनुरोध पर। गानों में जान डाल देने का हुनर संगीतकार जनित ललित की जोड़ी ने, ललित कहते हैं, गानों की मस्ती का एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल से आता है लेकिन किशोर दा के साथ वो नेचुरली आ जाता था। उनके गानों में इतना एक्सप्रेशन सुनाई देता था जो हम कर नहीं पाते हैं। उनके संगीत की समझ इतनी अधिक थी कि अगर संगीतकार थोड़ी खराब धुन लेकर आए तो वो उसमें इतनी जान फूंक देते थे कि वो गाना अमर हो जाता था। किशोर कुमार का सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा था कि उनके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि उनका अगला कदम आखिर क्या होगा। ललित ने बताया कि एक बार किशोर कुमार किसी हाईवे पर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। निर्देशक ने समझाया था कि आपको गाड़ी में बैठकर आगे जाने और इसके बाद शॉर्टकट हो जाएगा। ललित बताते हैं इसके बाद किशोर कुमार गाड़ी में बैठे और आगे निकल गए। इसके बाद निदेशक इंतजार करता रहा कि किशोर दा कब लौट कर आएंगे। बाद में ये पता चला कि वो गाड़ी से खंडाला जाकर वहाँ सो गए थे। किशोर कुमार कहा करते थे कि अगर ये गाना वो गाएंगे तो वो गाना निश्चित रूप से हिट हो जाएगा। किशोर कुमार को खुदा ने ऐसी आवाज़ दी थी कि हमें आज तक उनकी बुरी आवाज़ सुनने को मिली ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि राजेश खन्ना जितने बड़े एक्टर बने और जितने बड़े सुपरस्टार बने उसमें बहुत बड़ा हाथ किशोर कुमार का था। किशोर कुमार ने जिन हीरो के लिए गाया वो अमर हो गए। अब वो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किशोर कुमार आखिर क्या थे। गीतकार जावेद अख्तर कहते हैं, महान लोग समय के साथ साथ और महान होते जाते हैं क्योंकि आप ये अनुभव करते हैं कि वो कैसे काम करते थे। यही चीज़ किशोर के साथ हुई। उनकी इमेज भी समय के साथ बड़ी होती गई और उनके नहीं रहने पर भी लोग इसे महसूस करते हैं। वहीं जावेद अख्तर कहते हैं, मैंने कई ऐसे नए संगीत निर्देशकों के साथ काम किया जिन्हें किशोर से मिलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने कई बार उन्हें ये कहते हुए सुना कि काश किशोर कुमार इस गाने को गाने के लिए जिंदा होते। किशोर के बेटे अमित कुमार कहते हैं कि उनके पिता को हॉलीवुड की फिल्में देखना बहुत पसंद था
एक बार वो अमेरिका गए तो $8,000 की फिल्मों के कैसेट खरीद कर लाए थे। बॉलीवुड गपशप के संडे स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मौसम का आनंद लीजिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।